आज कुछ खास बनाते हैं आपके लिए। ये पानी उबल रहा है और ये है नमक, और इस नमक में हम डालेंगे सोयाबीन उबलने के लिए। ये मैंने सोयाबीन डाल दिया उसको अच्छे से उबलने के लिए, और ये जब उबल अच्छे से बॉइल्ड हो जाएगा हम इसको निकल के आगे की प्रोसेस बनाते हैं। काफ़ी दिन के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। देखिए अभी इसको मैंने पानी सारे ड्रेन कर लिया है, ये अच्छे से बॉइल्ड हो चुका है और थोड़ा सा ठंडा हो चुका है। इसमें डालेंगे हम ये एक स्पून मैदा, और उसके बाद हम डालेंगे एक स्पून कॉर्नफ्लावर, और उसमें डालेंगे हम थोड़ा सा नमक टेस्ट के हिसाब से, और उसमें डालेंगे एक टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट, और थोड़ा सा सोया सॉस, थोड़ा सा विनेगर, और थोड़ा सा लाल मिर्च। इसको हम अच्छे से अभी मिक्स कर लेंगे। इसको मिक्स करके हम गोल्डन फ्राई करेंगे, तब तक आप इंतजार। अभी देखिए ये तेल गर्म हो चुका है, अभी हम इसको गोल्डन फ्राई करेंगे। ये इतने सारे सोयाबीन है, ये अच्छे से हम इसको फ्राई कर लेंगे। चलिए हम इसको अच्छे से फ्राई करते हैं, तब तक आप देखते रहिए। ये जो ऑयल बच गया है अभी इसमें हम डालेंगे ये लहसुन, और ये कटा हुआ अदरक, और हम इसको अच्छे से मिला देंगे। अब चाहे तो दूसरे पैन में भी कर सकते हैं, बट मैं तेल नुकसान ना हो जाए तो इसमें कर लेता हूँ। और इसमें डालेंगे हम कटे हुए शिमला। अभी देखिए ये कैसे स्क्वायर स्क्वायर में मैं कटा हुआ था शिमला मिर्ची और प्याज, अब ऐसे करके डालिए और इसको अच्छे से मिला दीजिए। इसको हल्का सा हम सटे करेंगे 2-4 मिनट के लिए। जैसे ये सटे हो जाएगा तो इसमें हम डालेंगे, ये हम डालें नमक टेस्ट के हिसाब से, और इसमें अभी डालेंगे हम ये टमाटर एक, और ये मिर्ची, और इसको अच्छे से मिला दीजिए 2 मिनट। 2 मिनट के बाद हम इसमें अगले प्रोसेस की तरफ जाएंगे, आप थोड़ा सा इंतज़ार करिए। अभी 2 मिनट के बाद हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा और सोया सॉस डालेंगे बस, और इसमें थोड़ा सा विनेगर भी डालेंगे बस, हाफ स्पून, और अभी डालेंगे हम बहुत सारा टमाटर केचप, कम से कम 4 टेबल स्पून टमाटर केचप डालेंगे हम। और इसमें डालेंगे अभी हम थोड़ा सा मसाला, अभी इसमें डालेंगे हम हल्दी 1/2 स्पून, और रेड मिर्च भी 1/2 स्पून, और उसमें हम जीरा पाउडर डालेंगे और धनिया पाउडर थोड़ा सा डालेंगे। आप चाहे तो गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं, बट ये काफ़ी है। और आप देख सकते हैं, आप ये सोच रहे होंगे कि तेल के नीचे वो सारे लगा हुआ था, वो एक्चुअली मसाला था जो डस्ट, अभी इसके साथ वो मिल के अच्छा सा गाढ़ापन ले आएगा, तो इसलिए मैं वही ऑयल के ऊपर डाल दिया था। टाइम भी बच गया और वो ऑयल भी नुकसान नहीं हुआ इसलिए। और अभी हम फाइनली डालेंगे इसमें ये सारे चंक्स जो मैंने फ्राई करके रखा था, इसको अच्छे से हम मिला देंगे। दो मिनट के लिए, नेक्स्ट प्रोसेस फिर मैं आपको बताता हूँ।
अभी देखिए मैंने एक डेढ़ स्पून लिया हूँ कॉर्नफ्लावर और इसको अच्छे से मैं मिला देता हूँ। और थोड़ा पानी और थोड़ा इसको अच्छे से मैं मिला के रख लेता हूँ। अभी मैं डालूंगा इसको सीधा उसमें। अभी देखिए इसको मैं सारा अच्छे से मिला दूंगा। और ये आपका और 5 मिनट में बन के रेडी हो जाएगा। पाँच मिनट के लिए इसको हम छोड़ देते हैं। अभी फाइनली हम डालेंगे धनिया की पत्ते और ये बनके रेडी हो चुका है खाने के लिए। चलिए इसको हम हॉट हॉट सर्व करते हैं और आप इसको लाइक करिए और टेस्ट कैसा है बना के मुझे बताइए जरूर।